गाइस, अब जितने भी साउंड सिस्टम्स हैं मार्केट पर आ रहे हैं, अब के ज़माने में जितने भी साउंड सिस्टम मार्केट्स पर आ रहे हैं, उन सारे साउंड सिस्टम पर गाइस आजकल ब्लूटूथ का जो फैसिलिटीज है वो सारे सिस्टम पर अवेलेबल हो चुका है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एम्पलीफायर्स हैं, ऐसे साउंड सिस्टम्स हैं जिन पर आपको ब्लूटूथ का फैसिलिटीज़ देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में आप क्या करें, उसको तो खोल के उसके अंदर फिट करना ये थोड़ा रिस्की वाला काम हो जाता है, नॉर्मल लोगों को नहीं करना आता। तो ऐसे में आप क्या करें, आपका एम्पलीफायर को कैसे आप ब्लूटूथ बनाएं? तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा गैजेट बनाएंगे जिस गैजेट को यूज करके आपका एम्पलीफायर किसी भी टाइप का हो, उस पर अगर ऑक्स का सिस्टम हो तो आप उसको ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे वो एम्पलीफायर हो, चाहे वो आपका होम थिएटर वाला सिस्टम हो, चाहे वो किसी भी टाइप का आपका साउंड सिस्टम हो, या फिर चाहे वो आपका ईयरफोन ही क्यों ना हो, तो इन सारे साउंड सिस्टम्स को ये गैजेट ब्लूटूथ बना देगा बड़े ही आसानी से। तो जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक ऐसा गैजेट जो सारे साउंड सिस्टम को बना देगा ब्लूटूथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंदन, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो इंसान। अगर आप हमारे परिवार पर नए हैं, परमानेंटली जुड़ने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, और कैसा लगा वीडियो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी पर्सनल क्वेश्चंस आपको पूछना है, मेरे साथ डिस्कस करना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम्स भी कर सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, हम वहाँ पर बहुत एक्टिव रहते हैं और बहुत भी एक्स्ट्रा कॉन्टेंट पोस्ट करते हैं। तो गाइस लेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, मार्केट पर कुछ इस तरीके का कॉपियर केबल आते हैं। इन कॉपियर केबल 20 से 30 रुपए पर आपको मार्केट पर मिल जाएंगे आसानी से। तो इस केबल को आपको ले लेना है, क्योंकि इसका जो आउटपुट वाला टर्मिनल रहता है, ये दोनों इनमें से हम एक यूज करेंगे ताकि हम इनमें से आउटपुट ले सकें। उसके बाद गाइज आपको इस तरीके का जो चार्जिंग सॉकेट मार्केट पर मिल जाएगा 5 से 7 रुपए के अंदर, इस तरीके का चार्जिंग सॉकेट ले लीजिएगा ताकि हम इसके बैटरी को चार्ज कर सकें। आपको इस तरीके का एक ब्लूटूथ रिसीवर वाला किट चाहिए होगा। इसका जो वायरिंग है आपको आगे देखकर समझ में आ जाएगा कैसा इसका वायरिंग है। आपको गाइस इस तरीके का 3.7 वोल्ट वाला एक सेल ले लेना है, या फिर आप चाहे तो इससे छोटा वाला सेल भी यूज कर सकते हैं। हम तो ये यूज करने वाले हैं क्योंकि हमको अच्छा सा एक बैकअप चाहिए। तो गाइस इन सब के बाद अभी हम बढ़ते हैं कनेक्शन की तरफ। लेकिन कनेक्शन से पहले हमने जो कॉपियर केबल लिया था, उस कॉपियर केबल का हम थोड़ा कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे कि कौन सा ग्राउंड है, कौन सा इसका LRR है, और कौन सा ये इसका जो है मतलब माइक वाला टर्मिनल कौन सा है। इन सबको गाइस हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसी डायग्राम के अनुसार आप जो है कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, और उसी के हिसाब से जो आपका कनेक्शन है वो आगे सब कर लिया जाएगा। तो गाइज यहाँ पर तो हमें हमारा जो कौन सा L और R है, ये एक पहले से ही मैं बता दूँ, एक मोनो गाइज सर्किट है वो होने वाला है। तो इसका L और R गाइज इन दोनों का टर्मिनल कौन सा है ये हमको मिल चुका है। ग्राउंड और माइक का टर्मिनल भी हमको मिल चुका है। तो आपको क्या करना होगा, ग्राउंड और माइक का टर्मिनल को शॉर्ट करना होगा, और L और R का टर्मिनल तो आपस से शॉर्ट होकर ही आता है। मतलब इस पर जो कॉपियर केबल का आपको 3 टर्मिनल देखने को मिल जाएगा ना, इन 3 टर्मिनल पे एक है गाइज माइक और ग्राउंड का, और जो गाइज एक है वो है L और आर का। तो इन दोनों में से आपको दो वायर सोल्डरिंग करके निकालना है। क्या कुछ करना है आपको मैं दिखाता हूँ आगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको कहा था कि डायग्राम दिखाना है, वो डायग्राम आप देख लीजिए ताकि आपको कंटिन्यूटी निकालते समय आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि माइक कौन सा है और L और R और ग्राउंड कौन सा है, उसी के हिसाब से आपको फाइंड आउट कर लेना है कि ये जो गाइस सॉकेट है, सॉकेट में L R कौन सा है, ग्राउंड कौन सा है, माइक कौन सा है, कुछ कंटिन्यूटी टेस्टिंग के मदद से। और उसके बाद गाइस आपको क्या करना होगा, ग्राउंड और माइक को शॉर्ट करके एक तार निकालना होगा, और L और R में से एक तार आपको निकालना होगा। तो क्या कुछ करना है गाइस, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि जो ग्राउंड और माइक का टर्मिनल था, हम उन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिए हैं,
और अभी क्या कुछ करना है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि हमने ग्राउंड और माइक का टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया है और एक तार निकाल लिया है ग्रीन कलर वाला, और जो रेड कलर वाला तार हमने निकाल दिया है जो एल और आर को शॉर्ट होके जो टर्मिनल है उससे। तो यहाँ पर गाइस हमें ग्राउंड और जो एल आर वाला टर्मिनल हमें मिल चुका है। तो गाइस अभी चलते हैं क्या कुछ करना है देखते हैं। तो गाइस मैं अभी आपको एक इस सर्किट का टोटल डायग्राम निकाल के देता हूँ, आप उसी डायग्राम के हिसाब से सारा जो कनेक्शन है उसको देख के फॉलो करके कर लीजिएगा। तो अभी गाइस आप डायग्राम को देखिए क्योंकि हम जो सारा कनेक्शन आगे हैं उसी डायग्राम के अनुसार करने वाले हैं। गाइस अभी बारी है इसकी टेस्टिंग की। तो अभी मैं फ़ोन पर जिस पर रिकॉर्ड हो रहा है उसके इंटरनल माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो ऑडियो है। तो यहाँ पर हमारे पास है एक ईयरफोन और इसके टर्मिनल को मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, और इसका जो गाइस ये स्पीकर है, तो अभी जो इसका जो स्पीकर है इस स्पीकर को हम पूरे जो फ़ोन के माइक के पास पूरा रखेंगे और इसका जो साउंड है वो सुनेंगे। तो उसके लिए गाइस यहाँ पर हमारा पावर को ऑन करना पड़ेगा। वेट गाइस मैं ईयरफोन के स्पीकर को पहले ले जाता हूँ माइक के पास, उसके बाद इसको ऑन करता हूँ। तो गाइस अभी आप सुन सकते हैं होंगे कि ये पावर ऑन बोला, अभी मतलब इसका पावर जो है वो ऑन हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करेंगे और इसको चलाकर देखेंगे। तो गाइज यहाँ पर ये हो चुका है कनेक्टेड, अभी हम क्या करेंगे म्यूजिक को प्ले करेंगे।
तो गाइस यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि ईयरफोन जो है वो बज रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा वर्किंग है। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये गैजेट पसंद आया होगा और आपको हमारा काम और ये परफॉर्मेंस इसका जो है सब कुछ पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये सब लगता है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और परिवार पर नए हैं परमानेंटली जुड़ने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको एक और वीडियो के साथ, तब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।